जहन दोस्तों बात करते हैं क्यूब वाली वीडियो के पार्ट टू में। पार्ट टू कवर करेंगे हम इस वीडियो में, तो बात करेंगे टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में हम आपको बता रहे थे 77 का होल क्यूब। तो पहले हम कोई भी 7 ले लेंगे इसमें से। तो आपको पता है 7 का होल क्यूब होता है कितना, 7 का क्यूब होता है 343। आप गुणा करके भी निकाल सकती हैं, 343, 343 और 343। इसको हम लिखेंगे फोर टाइम्स यानी कि 4 बार। अब हम पहली और चौथी डिजिट को छोड़ देंगे। इसका डबल होगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब यहाँ हम केवल 3 लिखेंगे और ये 34 इधर कैरी में ऐड कर देंगे। आप देखिए 6 और 4 10 और 3 13 की 3 कैरी 1, 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16, 16 की 6। लेकिन 6 लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें हमेशा एक डिजिट ही लेना है। 16 की 6 और कैरी यहाँ आएगी 1, तो 6 और 3 9 और 1 10, और ये पूरा 10 आ जाएगा यहाँ। ये हो गया हमारा 106। आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16 की 6, यहाँ से ले 6 और 3 9 और 1 10, 106। अब इसे हम यहाँ ऐड करेंगे, 6 और 3 9 और 6 15, 15 की 5 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13। लेकिन 13 यहाँ ना लिख के हमेशा की तरह यहाँ लिखेंगे, 13 की 3 और कैरी यहाँ भी आ जाएगी हमारी 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो यहाँ लिख देंगे हम 11। फिर हम इसे ऐड करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6, 4 और 1 हो जाएगा 5, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 77 का क्यू। एक बार फिर समझ लें, 7 का क्यू होगा 343। इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स यानी कि 4 बार, 1 2 3 4। पहली और चौथी डिजिट को हम छोड़ देंगे। इसका डबल होगा 686, इसका डबल होगा 686। अब बस हमको जोड़ते समय इतना ध्यान रखना है कि हमें यहाँ केवल एक डिजिट ही लेना है, यूनिट डिजिट ही लेना है, बाकी हमको कैरी में ले जाकर ऐड कर देना है। तो 343 का लिखेंगे 3, 34 को हम ऐड कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ ये आएगा 1063। इसमें हम 3 तो यहाँ लिखेंगे, बाकी ऐड कर देंगे इधर, यहाँ हम ऐड करेंगे तो जो भी आएगा उसकी 1 डिजिट इधर लिखेंगे और बाकी का कैरी ले जाएंगे हम इधर, और ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 का क्यूब बराबर 456533। ऐसे ही आप कई सारे क्यूब ज्ञात कर सकते हैं 88। अब बात करते हैं टाइप फोर की, जिसमें डिफरेंट यानी कि अलग अलग डिजिट्स होने पर, जैसे कि 23, आप देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 25, 27, 89, 97, 47, 67, कुछ भी, यानी कि आप जिनकी डिजिट डिफरेंट होगी उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो आप पहले वाले को मान लीजिए ए और दूसरे वाले को मान लीजिए बी। तो हमने एक फार्मूला दिया है, आप एक बार फार्मूला देख लें। तो ए को ए का क्यू करेंगे और बी का क्यू करेंगे, ए को लिखेंगे शुरुआत में और बी को लिखेंगे आखिर में। तो देखिए ए का क्यू और बी का क्यू, फिर करेंगे ए स्क्वायर बी, यानी कि ए का स्क्वायर और फिर उसका बी से मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी के स्क्वायर के साथ, फिर इन दोनों का डबल और उसी के बाद हमारा आंसर। तो आपको देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन ये तरीका बहुत ईजी है। जैसे 23 का स्क्वायर हमें निकालना है तो पहले ए का क्यू यानी कि 2 का क्यू, 2 का क्यू आपको पता है कितना होता है 8, 3 का क्यू होता है 27। अब हम क्या करेंगे, 23 का करने के लिए 2 का स्क्वायर यानी कि आप देखिए ए स्क्वायर बी, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया होता है 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12। फिर दिया है ए ए बी स्क्वायर, तो देखिए ए हो जाएगा 2 और बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 दूनी होगा हमारा 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18। हमेशा की तरह पहली और लास्ट की डिजिट को छोड़ देंगे, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, इधर लिखेंगे 7, हमेशा की तरह 1 डिजिट, अब ये कैरी में ले जाएंगे 2 ऊपर। तो आप देखिए 8 और 6 14, 14 और 2 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे इस कैरी को, हम ले जाएंगे कहाँ ऊपर, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 की 1, फिर कैरी लगाएंगे 1, 2 और 1 3 और 1 4, लेकिन 4 यहाँ ना लिख के लिखेंगे हम यहाँ, 8 और 4 हो जाएगा 12। तो 23 का हमारा की होगा
121 67। एक बार फिर समझ लें, सबसे पहले हम दी हुई संख्या को मानेंगे ए बी, ठीक है। ए का हम लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे ए का क्यूब, बी का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब हुआ 8 और 3 का क्यूब हुआ 27। फिर ए स्क्वायर बी, अब ए स्क्वायर बी करेंगे तो ए क्या है 2, 2 का स्क्वायर किया 4 और बी किए गए 3, तो 4 दिए 12 लिख दिए हमने इधर। फिर ए बी स्क्वायर यानी कि 2 और ए किए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 दूनी 18। अब आप देखिए इसको हम जैसे का तैसा लिख देंगे, 18 का डबल होता है 36, 12 का डबल होता है 24, और हम जिस जिससे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ देंगे, यानी पहली और चौथी डेट को छोड़ देंगे। उसके बाद 6 और 8 14, अब ये 2 आ जाएंगे इधर, 14 और 2 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 यहाँ ना लिख के हम इसे भी ले जाएंगे कहाँ ऊपर, तो 5 हमने यहाँ से इधर ले गई और यहाँ जो 2 आता था उसे भी हम इधर ले गए। अब आप देखिए 2 और 1 3 और 1 4, तो ये वाले 4 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमको हमेशा एक एक डिजिट ही लेना है, लास्ट में जितने डिजिट बचेंगे उतने लिख देंगे, क्योंकि आप देखें इसके इधर तो हम कुछ ले जा नहीं सकते क्योंकि डिजिट है ही नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखेंगे अगली डिजिट, अब आप बताइए इनमें से कौन सी डेट, तो मैं अपने मन से कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 89, तो अब देखिए 89 का क्यू हम कैसे करेंगे। अब देखिए 89 के क्यू के लिए इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ए क्यू, तो 8 का क्यू होगा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो यहाँ लिखेंगे हम 512, और 9 का क्यू होगा 729। अब क्या दिया है ए स्क्वायर बी, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा 9, तो 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, और 9 6 54 और 3 हो जाएंगे 57, तो यहाँ लिखेंगे हम 576। फिर उसके बाद है ए बी स्क्वायर, यानी कि 9 गुणा, फिर उसके बाद है ए बी स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 9 81, 8 एकम 8 और 8 अट्टे लिखेंगे 64, तो यहाँ लिखेंगे हम फिर 648। एक बार फिर समझें, ए क्यू यानी कि 8 का क्यू 512, बी क्यू यानी बी का क्यू 729, ए स्क्वायर बी यानी कि 8 का स्क्वायर और बी क्या है 9, तो 8 का स्क्वायर 64 का गुणा हम जब 9 से करेंगे तो आएगा हमारा 576। उसके बाद ए बी स्क्वायर यानी कि ए की जगह है 8 और बी की जगह है 9, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 8 का गुणा हम जब 81 से करेंगे तो होगा 648। पहली की तरह पहली और लास्ट की डिजिट को हम छोड़ देंगे। अब इसका डबल होगा 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 छिंग 12 यानी कि 1296। इसका डबल होगा 2 छिंग 12 की 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। अब उसके बाद हम ऐड, इसके बाद अब हम ऐड करेंगे 9 का हम लिखेंगे 9 और 72 को ले जाएंगे हमेशा की तरह ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ हमेशा 1 डिजिट लेना है। 8 और 6 14 14 और 2 16, 16 की हम लिखेंगे 6 और कैरी लगाएंगे 1 ऊपर, 9 और 4 13 13 और 7 20, 20 और 1 21 की 1, कैरी ऊपर 2, 6 और 2 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 1 और 1 2। पर आपको पता है कि हमें यहाँ केवल 1 डिजिट ही लिखना है, इसलिए इस 201 को ले जाएंगे हम कहाँ ऊपर, और यहाँ से इसे कर देंगे ख़त्म। आपको ये ध्यान रखना है सॉल्व करते समय कि आपको यहाँ 1 डिजिट ही लेना है। 6 और 2 8 और 1 हो जाएगा 9, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, और ये 1, लेकिन हमें यहाँ 1 डिजिट लेना है, तो 192 को भी हम ले जाएंगे कहाँ ऊपर कैरी में, तो ये भी आपको यहाँ नहीं लिखना है। 2 और 2 हो जाएगा 4, 9 और 1 हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। इस प्रकार 89 का क्यू हो जाएगा हमारा 704969, 704969। अब एक बार दोबारा समझ लें इस प्रोसेस को, सबसे पहले ए बी, ए का क्यू यानी कि 8 का क्यू 8 का क्यू हो जाएगा 512, फिर बी का क्यू यानी कि 9 का क्यू 9 का क्यू हो जाएगा 729, फिर ए स्क्वायर बी यानी कि 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और बी की जगह आएगा 9, यानी कि 64 का 9 से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 576। फिर ए बी स्क्वायर यानी कि ए की जगह 8 और बी का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 81,
और 81 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 648। अब आप देखिए ये यहाँ लिखने के बाद इसका डबल होगा 1296, इसका डबल होगा 1152। अब आप देखिए यहाँ हम केवल 9 लिखेंगे और ये 72 जाएगा कैरी में ऊपर। अब यहाँ जो भी आएगा ऐड करने के बाद उस पूरे को हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे कहाँ, ऊपर। जैसे कि इधर 201 आया है, अब इसको ऐड करने के बाद यहाँ आएगा 192, तो हम इस 192 को उठा के ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारा ये रूल है कि हमें यहाँ हमेशा 1 डिजिट ही लेना है, बाकी जो संख्या आएगी उसे ऊपर ले जाएंगे। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखने में आपको भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये तरीका सबसे इजी तरीका है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ये सिखाएंगे, ये बताएंगे, तो आप ये बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मिनटों में नहीं, केवल और केवल सेकंडों में आप इससे किसी भी क्यूब का आंसर निकाल सकते हैं। हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। और यदि आपको कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।